हमने हमारा इससे पहले का जो सबक है फेसेस एंड फीलिंग्स, इसमें क्या देखे कि हम लोग हमारे जो जज्बात है वो अंग्रेजी जबान में किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। अब सामने वाला क्या महसूस कर रहा है हमें वो अंग्रेजी जबान में बताना है, तो कैसे बताएंगे? हम लोग तो बता रहे ना आई एम सैड आई एम हैप्पी, बट अगर सामने वाला कुछ चीज कर रहा है तो वो क्या महसूस कर रहा है, उसके क्या इमोशंस है, उसके क्या फीलिंग्स, उसके क्या जज्बात है, हमको ये समझना जरूरी है ना। हम लोग सोसाइटी में रहे, हम समाज में रहे ना, हमको समझना जरूरी है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है अपनी वजह से या फिर खुद की गलती की वजह से। अब हमारे पास में कुछ वाकयात है ऐसे जिसके ऊपर हमको बोलना है कि सामने वाला जो है उसको क्या महसूस हो रहा है। ओके, तो पहला है अमित क्लाइम द हिल, अमित ने पहाड़ चढ़ा। अब अमित ने पहाड़ चढ़ा तो वो क्या महसूस कर रहा होगा चढ़ने के बाद, चढ़ रहा है हाँ, जाहिर जाते वो खुश हो गया, और उसके अलावा हैरान क्यों होगा वो, चलो ठीक है ऊपर से बहुत अच्छा नजारा दिख रहा तो हैरान भी हो गया। ओके, उसके बाद में अब वो इतना बड़ा पहाड़ चढ़ा तो थका नहीं होगा क्या, थका होगा ना, तो फिर टायर्ड हो गया वो, तो फिर क्या हो गया अमित, अमित इज सरप्राइज्ड। ओके, अमित हैरान हुआ। ओके, अब इसके बाद में और क्या हुआ, अमित वाज टायर्ड, अमित पहाड़ पे चढ़ा तो थक गया था। ठीक है, अमित इज टायर्ड। अमित लॉस्ट हिज पेन, अमित की पेन जो है गुम चुकी है, तो वो क्या महसूस कर रहा होगा, सैड, उदास हो गया होगा, बराबर। अमित इज सैड, अमित इज सैड, अमित उदास है। अमित को पेन वापस मिल गई, उसकी पेन मिल गई, अमित फाउंड हिज पेन, फिर अब अमित इज हैप्पी, और अमित इज फीलिंग हैप्पी। ओके, दोनों बोल सकते हैं हम लोग। आप इसके अलावा अमित को ना उसके स्कूल में एक लड़के ने पीछे धक्का दे दिया, अ बिग बॉय पुश्ड अमित, अमित को धक्का दे दिया है, फिर अभी अमित को क्या क्या जज्बात आ रहे होंगे, गुस्सा आ रहा होगा ना, एंग्री, फिर अब अमित क्या बोलेंगे, अमित इज एंग्री एट द बिग बॉय, यानी वो बड़े लड़के पर गुस्सा है। अब इसके बाद में अमित, अमित वोन अ प्राइज, अमित को जो है एक इनाम मिला स्कूल में, अभी कैसे महसूस कर रहा हूँ, प्राइज मिलने पे हम लोग शर्मिंदा होते, फिर और क्या होते, फकर महसूस होता ना हमको, फकर को क्या बोलते हैं, प्राउड। अमित इज हैप्पी एंड फीलिंग प्राउड, है ना, अमित इज हैप्पी एंड फीलिंग प्राउड। अब अमित जो है उसके दोस्त को गुड नाइट बोल रहा है, अमित इज सेइंग गुड नाइट। अब अमित क्या महसूस कर रहा है, गुड नाइट कब बोलते हैं, जब हमें नींद आती है, अमित इज फीलिंग स्लीपी, क्या बोलते हैं हम लोग, अमित इज फीलिंग स्लीप। तो हम इस तरीके से सामने वाले जज्बात को कैसे इंग्लिश बोलते हैं किसी का, ठीक है, हम लोग अब तुम्हारा नाम अबूबकर है, तो अबूबकर इज स्ट्रेस्ड, अबूबकर परेशान है, अबूबकर इज सरप्राइज्ड, अबूबकर हैरान हुआ, अबूबकर इज हैप्पी, अबूबकर खुश है। सामने वाले की जज्बात है उसको हम लोगों को समझना भी चाहिए, आपको इंग्लिश जबान में बोलना भी आना चाहिए।